दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र के छात्रों द्वारा विभागीय परिचय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कार्यक्रम के मूल विषय महिला सशक्तिकरण और करो योग रहो निरोग के संदर्भ में कहा कि हमारे गुरुजन के मार्गदर्शन द्वारा नित नए आयामों को स्थापित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अर्षद ने तथा आभार ज्ञापन डॉक्टर अर्चना ने किया। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामलाल गाड़िया, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सरिता सिंह, डॉक्टर समृद्धि सिंह, मिथिलेश यादव, माधवी सिंह, पूजा चौधरी, अंकित मौर्य, पारुल कसौधन, सोनाली गुप्ता, नवीन श्रीवास्तव सहित अनेक छात्र छात्राएं सहित शिक्षकगण उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने नव प्रवेशित सहभागियों के लिए, सहोदरों के लिए एक फ्रेशर्स पार्टी अरेंज की है। लेकिन क्योंकि हम हर अपने कार्यक्रमों को बहुत सांस्कृतिक और पारंपरिक तौर पे मनाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम भी रखा है जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण और योग पर ये कार्यक्रम है। हमारे यहाँ इसमें जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें दो ऐसे कार्यक्रम बच्चों ने करने का सोचा है जिसमें ये इन दोनों विषयों को उठाया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से कि हमारी आज की जो नारी है वो कहीं कमज़ोर नहीं है, वो बहुत सशक्त है मानसिक तौर पे और अब वो शारीरिक तौर पर भी सशक्त हो रही है तरह तरह की ट्रेनिंग्स लेकर के और अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम है। साथ ही योग जो है वो हमारी प्राचीन परंपरा का एक अभिन्न अंग है और उस योग को बीच के काल में हम भूल गए थे, इस योग को फिर से जन जन तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे विद्यार्थियों का है क्योंकि ये विद्यार्थी अलग अलग गांव से, कस्बों से, परिवारों से आते हैं। तो इन विद्यार्थियों ने ये तय किया कि हम इस योग को परिवार परिवार तक पहुंचाएंगे अपने इन कार्यक्रमों के द्वारा और इस जन जागरण अभियान के द्वारा।